गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन करेंगे, जिसका राइटर है अल्फोंस डांटे। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे, ठीक है। अल्फोंस डांटे वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड फॉर्मली और प्रीवियसली ही वर्कड एज ए टीचर, बट ही क्विट हिज जॉब एंड अर्न हिज लिविंग एज ए जर्नलिस्ट। देन ही starting writing poems. And what is the background of the lesson? This lesson is written at the time of the war. The story is set during the Franco-Persian war. Franco means French, France, and Persian जो है वर्तमान के अंदर जिसे जर्मनी कहा जाता है, 1870 से 71 के बीच में इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, और जो फ्रांस था वो पर्सिया के द्वारा, जर्मनी के द्वारा पराजित कर दिया गया। और जो फ्रांस था इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेस और लॉरेन, ये जर्मनी के अधिकार क्षेत्र में चले गए। और उस समय जो है जर्मनी का प्रतिनिधित्व जो है वो ऑटो वैन बिस्मार्क, जिसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो अपनाई थी, क्योंकि इसी ने जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन, एकीकरण किया जो छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। उसके बाद जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट एल्सेस लॉरेंस, इन पे जो है जर्मनी का अधिकार हो गया, ऑक्युपाइड बाय जर्मनी। और यहाँ पर जो है बर्लिन नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहाँ से एक आदेश आया, जिस आदेश के अनुसार फ्रांस के एल्सेस और लॉरेंस में वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा जो है वहाँ नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था। Now only German language would be taught in the two districts of Lorenz and Alsace and Lorenz. और जो इस घटना ने, इस चीज़ ने वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा गहरा और उदासी भरा जो है प्रभाव छोड़ा, क्योंकि कोई भी देश जब दूसरे देश के का गुलाम होता है तो वहाँ के लोग जो है उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो इस लेसन के अंदर जो है ये बताया गया है कि लोग कितने उदास थे।